Assalam Assalam के में हमने आंसर्स को देखा था बी एस थर्ड टू एटीन आज जो है हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव द फॉलोइंग ग्राफ यूजिंग डी एफ एस एंड बी एफ एस एलगोधम स्टार्टिंग विद ए तो आपको एक स्टार्टिंग नोट बता दिया गया है और आपने इसे टाइवर्स करना है और ये बाकी क्वेश्चन डिस्प्ले में आपको दिखा दिए गए हैं जो पेपर में आए हैं अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन पहले आपको मैं रूल्स बता दूँ कि डी के क्या रूल हैं आपने सेलेक्ट करना है स्टार्टिंग नोट जो आपको क्वेश्चन में बताया गया है हमें स्टार्टिंग नोट ए बताया गया है विजिट द एडजस्टन वर्टिक्स डैड इज़ अनविजिटेड मतलब आपने उन तमाम वर्डसेस को जो अनविजिटेड uh, हैं उनको विजिट करना है स्टार्टिंग नोट से डिस्प्ले इट एंड पुश इट इन द स्टैग आपने स्टैग में पुश करना है मतलब उन्हें एंटर करना है पुश का फंक्शन जो होता है स्टैग में एलिमेंट्स को या नोट्स को या वर्टिक्स जो होते हैं उनको एड करने के लिए एंटर करने के लिए होता है इफ़ नो एडजेंस वर्डिक्स इज फाउंड मतलब एक नोड ऐसा है जिसके बाद कोई भी एडजस्ट वर्डिक्स नहीं है तो आप उसे पॉपअप करा देंगे ये फंक्शन किस लिए होता है कि ये स्टैक में से रिमूव कर देगा वर्डिक्स को रिपीट रूल टू एंड थ्री अन टल द स्टैक इज एम्बी अब आप इन्हें ये रिमेम्बर रखे अभी डायग्राम बनाई गई है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है सबसे पहले हमने क्या करना है जो अनविजिटेड नोट्स हैं उनको हमने माइनस वन कर देना है जब विजिट हो जाएगा और स्टैक में आ जाएगा तो हम ज़ीरो कर देंगे उसको और वन हम कब करेंगे जब विजिटेड भी हो जाएगा और पॉप आउट फ्रॉम द स्टैक ठीक है अब सबसे पहले हमने वन को विजिट करना स्टार्ट किया स्टार्टिंग नोट ए था द आपका जो ए है वो कहाँ आ गया स्टैक में आ गया माइनस वन को हम किस तरफ ले लेंगे जीरो की तरफ क्योंकि इस टैग में एंटर हो गया और विजिट हो गया है जो विजिटेड वर्टिक्स होंगे उससे आप राइट ऑन करते रहेंगे ए को हमने फर्स्ट ऑफ तो ऑल राइट ऑन किया है नेक्स्ट आप देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं विजिट आपके पास डायरेक्टेड है तो यहाँ बी पे भी आप जा सकते हैं डी पे भी ई e पे भी आप कोई भी एक नोड लेंगे और उस तरफ मूव कर जाएंगे जिसका हम यहाँ पर बी की तरफ मूव कर रहे हैं कोई भी एक एडजस्ट वर्टिक्स तरफ आपने मूव करना है और आपने देखना है कि आप कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं तो हम ए से बी की तरफ़ आए हैं बी हमारा स्टैक में एंटर हो गया पुश हो गया और यहाँ पर बी जो है विजिट हो गया तो आप इसे क्या कर देंगे जीरो में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमने तमाम नोट्स को जो वर्टिसज हैं उनको माइनस वन कर दिया था क्योंकि ये अनविजिटेड थे अब हाँ, हमारे पास जो जो विजिट होता जाएगा उसे हम जीरो कर देंगे जब बी पर आए बी के पास एडजस्टेंट जो हमारे पास वर्टिक्स हैं वो डी है और सी है डायरेक्टेड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके एडजस्टेंट वर्टिक्स क्या हैं अब आप सी को स्टैक में एंटर कर देते हैं तो सी विजिट हो जाएगा अब आपके पास सी पे ये क्योंकि हमारे पास क्या है माइनस वन है अब ये अंदर गया स्टैक के तो ये क्या हो गया ज़ीरो अब यहाँ पर ये पोजीशन आ गई है कि हमारे पास सी जो है उसके आगे कोई वर्टेक्स नहीं है एडजस्टन कोई वर्टेक्स नहीं है जो कनेक्ट हो सी से तो C हमारे पास लास्ट हो गया अगर ऐसा वर्टिक्स आ जाए जिसके आगे कोई एडजेसेंट वर्टिक्स नहीं है तो आप उसे पॉप आउट करा देते हैं स्टैक में से मतलब हम C को स्टैक में से रिमूव कर देंगे ये विजिट हो गया अब आप क्या करते हैं आपके पास स्टैक में जो लास्ट यहाँ पर एलिमेंट होगा मतलब B है अब आप B को फिर से देखेंगे कि बी से एडजेसेंट कौन कौन से वर्टिक्स हैं आपने सी तो विज़िट कर लिया अब आपके पास डी है तो हम स्टैग में कैंटर करेंगे हम स्टैक में डी एंटर करेंगे और हमारा जो विजिट होगा वो नोट कौन सा होगा डी होगा उसके बाद अब आप डी के पोजीशन पर हैं तो आप देखेंगे आपके पास अब डी माइनस वन था तो वो जीरो हो गया और आपके पास ये जो सी था ये हमने क्या कर दिया वन कर दिया अब क्योंकि ये जीरो हो गया है अब आपने इसके जैसे वर्टिक्स देखने हैं एक तो ए है और एक ई e है अब आपके पास जो ए है वर्टिक्स ये ऑलरेडी स्टैक में मौजूद है तो आप कहाँ जाएंगे आप ई e की तरफ मूव कर जाएंगे ई आपका माइनस था तो अब क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा और आप इसे जो है स्टैक में एंटर कर देंगे ई e को यही आपका ई e जो है वो बाहर भी विजिटेड वर्टिक्स के तौर पर रिप्रेजेंट होगा अब आपने ई e हमारे पास ऐसा वर्टिक्स है जो कि आगे इसके एडजस्ट वर्टिक्स नहीं है तो आप इसे पॉप करा देंगे मतलब आपका ई e पॉप आउट होगा और ये आपका प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपके तमाम एलिमेंट्स uh, हैं जितने भी नोड्स हैं वो स्टैग में से रिमूव ना हो जाए आपका स्टैग एम्पटी ना हो जाए यहाँ पर एक पेरेंट मैप दिखाया गया है ये हम क्यों बनाते हैं ताकि हम जो है वो किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ में से साइकिल को डिटेक्ट कर सकें हमारे पास जो गिवन ग्राफ इसमें साइकिल नहीं है अब ये कैसे बनाया गया है कि आप यहाँ पर वर्टिक्स को काउंट लिखेंगे और यहाँ पर पेरेंट लिखेंगे जिसना ए स्टार्टिंग नोट था तो कोई पेरेंट नहीं था बी फस्ट आपके पास पेरेंट क्या था ए फिर आपने सी को विज़िट किया तो आपने क्या किया सी का पेरेंट लिख दिया बी है फिर उसके बाद आपने डी को विजिट किया आपने डी वर्डिक्स यहाँ लिखा और उसका पेरेंट लिख रुग 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 दिया बी फिर आपने ई e को एंटर किया तो आपने ई e वर्डिक्स यहाँ राइट डाउन किया लास्ट में और उसका वर्ड जो पेरेंट नोड है वो डी है वो राइट डाउन कर दिया ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास साइकिल क्रिएट हो तो हम ये मैप बना रहे होते हैं साथ साथ और अगर कहीं पे साइकिल आता है तो हमें यहाँ से डिटेक्ट करने में आसानी होती है इसीलिए हम पेरेंट मैप को ड्रा करते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम आस्ट इन कमेंट सेक्शन नेक्स्ट हमारे पास है बी एफ एस पिछले प्रीवियस क्वेश्चन का ये एक पार्ट है आपने सबसे पहले स्टार्टिंग नोट से स्टार्ट किया ए आपने स्टैग में एंटर किया और यहाँ पर हम जो मैनर फॉलो कर रहे हैं वो फाइव फो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टॉप से ही आप जो है एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे जैसे आप हम ए को स्टैग में से पॉप करा रहे हैं मतलब मैं रिमूव कर दी हूँ तो इसके जितने भी एडजस्टन वर्टिक्स हैं मैं तमाम के तमाम को जो है वो स्टैग में एंटर कर दूँगी मतलब मैंने पहले बी को एंटर किया फिर डी और ई e को अब जो फर्स्ट इन है फर्स्ट आउट होना है मतलब बी सबसे पहले एंटर हुआ था वो हमने रिमूव कर दिया जब रिमूव करते हैं उसके एडजस्टन वर्टिक्स को आप स्टैग में एंटर करते हैं बी को रिमूव किया तो उसके साथ एडजस्टन वर्टिक्स क्या हैं डी और सी तो आपने क्या किया कि डी ऑलरेडी था तो सी को आपने टॉप पे एंटर कर दिया मतलब पुश कर दिया फिर आपने डी को रिमूव किया तो आपके पास डी के जो एडजस्टन वर्टिक्स हैं वो ई और ए हैं ई हम पहले ही विजिट कर चुके हैं तो आप जो है ई हमारे पास टैग में मौजूद हैं तो आप जस्ट डी को रिमूव कर देंगे उसके बाद आप किस को रिमूव करेंगे ई को ई आपके पास जो है वो नोड है लीव नोड है इसके बाद कोई एडजस्टन वर्टिक्स नहीं है तो आप जस्ट ई को रिमूव करेंगे उसके बाद कोई भी एडजस्ट नहीं है तो आप उसे एंटर नहीं कर सकते कोई भी नहीं है आपके पास एडजस्ट एडजस्टन वर्टिक्स नेक्स्ट आपके पास सी है सी नोट ये भी आपका एक लीव नोट है इसके बाद कोई ही एडजस्टन वर्टिक्स नहीं है सी के साथ कनेक्ट हुए हुए तो आप सी को जस्ट जो है वहाँ से रिमूव कर देंगे स्टैग में से और विजिट के तौर पर बाहर रख देंगे आई होप यू अंडरस्टैंड द ब्रेथ फॉर सर्च नेक्स्ट हमारे पास राइट डाउन द फंक्शन फॉर द फॉलोइंग सॉर्टिंग टेक्निक वेन आर इज पासिंग टू दैम इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट अब आपके पास जो फंक्शन है इसके लिए वो क्या है वर्ड इंसर्शन सॉर्ट हमने एक नाम रखा है अपने फंक्शन का अरे पास की जा रही है मतलब एज एन पैरामीटर हमारे पास अरे आ रही है और साइज आ रहा है कि कितनी लेंथ है हमारे पास अरे की इन आई की होती है हमारे पास इंसर्शन शॉर्ट में हम एक की जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं और ये हमारा एक और वेरिएबल है जे और आई इज इक्वल्स टू वन आई लेस देन इक्वल्स टू एन एन क्या है लेंथ होती है हमारे पास बेसिकली और आई प्लस प्लस मतलब आप आई भी इंक्रीमेंट करते रहेंगे अब जो अरे आई में आपके पास वैल्यू है उसको आपने क्या कर देना है की के तौर पर कर देना सर हमारे पास एक अरे है अब की हम किसे बना दें सर यहाँ फाइव है यहाँ पर आपके पास फोर है ये टू है और ये वन है आप की किसे बनाएंगे इस वाली वैल्यू को हमने आई से स्टार्ट करना है फर्स्ट स्टेप में हम आई आई इज इक्वल टू वन करते हैं और जो बस इंडेक्स पे जो वैल्यू होती है उसे हम की के तौर पर इंट्रोड्यूस कराते हैं और जे इज़ इक्ल टू जे आई माइनस वन मतलब ये वाली लोकेशन जो जीरो है आई माइनस वन होगा तो ये किसकी हो जाएगी जे की वैल्यू हो जाएगी अब नेक्स्ट आपने क्या करना होता है कंडीशन लगाएंगे J जे इज than देन to तो जीरो एंड अरे जे इज greater than की कि आप जो है वो चेक करें कि जे ग्रेडर देन इक्ल टू तो जीरो हो और साथ ही अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है और साथ ही ये भी ट्रू होनी चाहिए क्योंकि दरमियान में क्या एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ है अरे जे इज ग्रेटर देन की कि जे की लोकेशन पर जो वैल्यू है वो की से ग्रेटर है अगर ये ट्रू हो जाता है तो आप जे की लोकेशन की जो वैल्यू है वो कहाँ रख देंगे जे प्लस वन में रख देंगे और जे को एक डिक्रीमेंट कर देंगे जैसे हमने भी वे सब ये करे ड्रा की थी फाइव आपके पास जीरो इंडेक्स पे था फिर फोर और फिर टू और फिर वन तो ये आपके पास की थी अब आप देखें कि हमारे पास जो जे वाली लोकेशन है उस पर जो वैल्यू है वो की से बड़ी है तो आप क्या कर देंगे ये वाला जो फ़ाइव है इसे कहाँ रख देंगे यहाँ पर मतलब जो जे वाली लोकेशन है उस पर आपने जे प्लस वन वाली लोकेशन पर ये फाइव रख देना है जे को डिक्रीमेंट करेंगे जे को डिक्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि अगर प्रीवियस कोई भी एलिमेंट है क्योंकि ये तो जीरो लोकेशन थी और जब आप नेक्स्ट एक्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास यहाँ से आप चेक करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये की होगा तो आप इसे प्रीवियस वन को भी चेक करेंगे और जीरो को भी चेक करेंगे हम इंसर्शन सर्शन में जो की से प्रीवियस जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको कंपेयर करते हैं की के साथ तो इस तरह हम एट्रेशन करते रहते हैं अब नेक्स्ट आकर क्वेश्चन आ जाती है कि ये नहीं है ग्रेटर तो आप क्या कर देंगे जे प्लस वन इज़ इक्ल टू की मतलब आपके पास ये वाली जे वाली लोकेशन है और ये जे प्लस वन वाली है तो आपकी की एज इट इज़ रहेगी और आप जो है वो नेक्स्ट एट्रेशन की तरफ चले जाते हैं आई इज़ इक्ल्स टू अब आपके पास टू हो जाएगा और आपने तब तक मूव करते रहना जब तक आप जो है आई की वैल्यू एन लास्ट एलिमेंट जो है आपका रिप्रेजेंट ना हो जाए अगर फाइव एलिमेंट्स हैं टोटल एन आपके पास फाइव है जितनी अरे की लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है काम करना है और आपके पास की क्या हो जाएगी अब हमारे पास क्या था पहले ये की थी अब आपके पास जो टू इंडेक्स है वो की होगी क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू टू आ गई है तो अरे टू की जो लोकेशन है वो क्या हो जाएगी अब आपके पास ये की हो जाएगी प्रीवियस आप सबसे कंपेयर करेंगे आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको फंक्शन का आ गया मर्ज सॉर्ट का मर्सॉर्ट इंच एरे आप पास करेंगे स्टार्ट और एंड पॉइंट बताएंगे क्या है आपके पास उसके बाद आप चेक करेंगे स्टार्ट इज़ लेस देन एंड तो आप इस ब्लॉक में एंटर हो जाएंगे डिवाइड एंडर अप्रोच क्या कहती है कि आप जो है वो आ, अपनी जो एरे दी गई उसको सब एरेज़ में डिवाइड करें जैसे आपके पास कोई एरे दी गई है आप उसे टू सब हाफ्स में डिवाइड करें फिर जो आपके पास सब एरेज आएंगी उनको मजीद आप सब एरे में डिवाइड करेंगे और उस वक्त तक करते नहीं जब तक आपके पास सब एरे है वो एक एलिमेंट पे कॉन्सिस्ट नहीं कर जाती ठीक है अब इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो mid find out किया है mid कैसे calculate करना है कैसे करना अब यहां पर जो कंसेप्ट है वो कैसे होगा सॉर्ट का क्योंकि आपने बार, बार रिकर्सिवली हर एक मर्सॉर्ट की जो सब एरे है उसको आपने डिवाइड करते जाना है ठीक है उसके बाद आप उसे कंबाइन करेंगे आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कैसे आपने डिवाइड करने से हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जीरो और एट है ठीक है स्टार्टिंग लेस देन एट हो गया अब आप डिवाइड करेंगे इसे और मिड निकालेंगे तो आपका मिड आ जाता है फोर फाइन uh, नेक्स्ट अब आप मर्स सॉर्ट को कॉल यहाँ पर आपके पास फंक्शन कॉल हो रहा है रिकर्सिव फंक्शन है ये क्योंकि यहाँ देखें अरे स्टार्ट और एंड जा रहा है और यहाँ पे भी यही चीज़ है तो ये आपके पास जो है इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया जा रहा है वैल्यूज क्या जाएंगी आपके पास जब फर्स्ट टाइम आप जो है वो अरे को डिवाइड कर करना है तो आपके पास क्या जाएगा जीरो और फोर और नेक्स्ट आपके पास जो फंक्शन है वो क्या करेगा आपके पास मिड से अगली वैल्यू लेके जाएगा मतलब फाइव और एंड एट ठीक है और फिर आपने जब मर्ज करना है मतलब आपने इन्हें डिवाइड किया आपने इन्हें मर्ज भी तो करना है उसके लिए जो फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जो मेन हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका मर्जिंग का वो नेक्स्ट आगे डिस्कस किया जाएगा तो लेकिन यहाँ पर जो पैरामीटर्स आपके पास होंगे वो क्या होंगे ज़ीरो मिड फोर और एंड ए अब आप मज़ीद इस ज़ीरो और फोर वाली जो सब है इसको भी डिवाइड करेंगे किस तरह यानी कि आपके पास यहाँ पर ज़ीरो और फोर आ गया है अब आप डिवाइड करेंगे आपके पास मिड क्या आ जाएगा टू तो आप इसको फिर डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने रिकर्सिवली डिवाइड करते जाना है इसे उस वक्त तक जब तक आपके पास जो है वो सब एरे में एक एलिमेंट ना आ जाए तो आप जब यहाँ करेंगे तो आपके पास मिट यहाँ क्या आ जाएगा जीरो स्टार्टिंग पॉइंट और मिड आपका जो है वो है टू फिर आपने इस वाले स्टेप पे आ जाना है ये क्या करेगा इसको मजीद डिवाइड मतलब मरसॉट को कॉल करेगा तो आपके पास यहाँ मिड से आगे वाली यानी कि थ्री और एंड पॉइंट क्या है आपका फोर और जब आप इसकी तरफ जाएंगे मर्ज की तरफ मतलब आपने इसे मर्ज भी तो करना है अब जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं ना मर्ज करने के लिए क्योंकि हम लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं यहाँ पर जब आपने इसे डिवाइड कर दिया है और अब मज़ीद डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो आप इस पॉइंट पे आ गए तो आपके पास जो है वो क्या होता है जीरो स्टार्टिंग है मिड भी आपका जीरो आ रहा है क्योंकि आपने ज़ीरो को जब वन से डिवाइड किया ज़ीरो आ गया और एंड आपके पास क्या है वन है तो आप, आप इन दो जो शुरू में आपके ज़ीरो और वन वाली लोकेशन इनको मर्ज करेंगे ठीक है सपोज यहाँ पर आपके पास फ़ाइव है और यहाँ पर आपके पास फिफ्टीन है तो आप क्या करेंगे इन दोनों को मर्ज करेंगे अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं तो आप जो है इन दोनों को कंबाइन कर देंगे फाइव को और फिफ्टीन को आपने ये नहीं करना कि आपके पास जो सब एरे के वन एलिमेंट पे मुश्मिल एक लिस्ट बनी है आप उनमें से देखते जाए और रैंडमली एक लिस्ट बना दें नहीं आपने पहले इन दो को कम्बाइन करना है फिर क्योंकि रिकर्सिवली कॉल होता जाएगा जैसा मैंने भी आपको समझाया ठीक है बनाना है फिर आप मज़ीद जो है आगे एलिमेंट्स को देखते हुए उन्हें कंबाइन करेंगे और आपके पास जो है वो दो सब एरेज जो हैं वो बन जाएंगी जैसे आपके पास यहाँ पर आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं जब इनको कंबाइन कर रहे हैं कि एक जो है वो आपकी राइट है और एक आपकी लेफ्ट होगी ठीक है और अब आप इन दो सब एरेज को जो है वो कम्बाइन करेंगे इन दो सब एरेज को कम्बाइन करने के लिए आप जो है वो एक टैंप लेंगे टैम्प क्या करेगा के वो इनको टेम्परेरी तौर पर सॉर्टेड एलिमेंट्स को स्टोर करेगा और उसके बाद आप कॉपी करेंगे अपनी ओरिजिनल एरे में ठीक है टेम्प आर हमने ली है एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन ये लेंथ बता रहे हैं आप टेम की आई इज इक्वल टू स्टार्ट जे इज इक्वल टू मिड प्लस के इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट अब आप हमारे पास जो कोड है वो क्या है वाई आई लेस देन इक्वल्स टू मिड एंड जे लेस देन इक्वल्स टू एंड जैसा अभी मैंने अभी आपको कहा कि दो सब एर हैं आप उनको देखते हुए करेंगे आई लेस देन इक्वल टू मेड आई तो ज़ीरो है और मिड की वैल्यू आपके पास क्या थी फोर थी ठीक है जब तक आपके पास जो है वो लेस देन है और साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जे की वैल्यू जो है वो एंड से ऊपर ना चली जाए तो फिर आप इससे जो है वायल ये कंडीशन वायल की फॉल्स हो जाएगी और आप आगे कोर्ट की तरफ मूव कर जाएंगे ये हमारी एक टेम्प्रेरी आ रे है जिसमें हम जो है एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे टेम्प्रेरी तौर पर अब आपने जब ये हमारी कंडीशन ट्रू हुई है तो आपने जो जे वाली एलिमेंट है उसके बाद आपने चेक करना है कि इफ़ अरे आई एलिमेंट इज़ लेस देन अरे जे यहाँ पर आपके पास जो आई वाली अरे है इसमें आपके पास यहाँ पर थ्री स्टोर है और आपके पास जो जे वाली अरे है इसमें आपके पास फोर स्टोर है अरे आई इज़ लेस देन अरे जे ट्रू हो गया तो आप यहाँ पर ब्लॉक में एंटर होंगे और आप देखेंगे टेम के की फर्स्ट लोकेशन जो अरे आई ज़ीरो है i जीरो तो यहाँ पर जीरो लोकेशन पर आपने टाइम की क्या रख देना है थ्री को रख देना है आई की वैल्यू को रख देना है के में भी इंक्रीमेंट और आई में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा एल्स पार्ट उस वक्त एग्जीक्यूट होगा आपका जब आपके पास अरे आई की वैल्यू ग्रेटर हो जैसा यहाँ आपके पास टेन है और यहाँ आपके पास टू स्टोर हुआ हुआ है ठीक है या आपके पास यहाँ पर एट स्टोर हुआ हुआ है तब वो आपको कहते हैं कि आपने यहाँ पर जो टेम के है इसकी लोकेशन टू पे या आपके पास जे वाली जो लोकेशन है उस पर आपने क्या रख देना है आपके पास जे की क्या वैल्यू थी जे की वैल्यू थी मिड प्लस वन तो आप मिड देखें यहाँ पर आपके पास मिड फोर है ज़ीरो वन टू थ्री फोर मतलब आपने फाइव फाइव वाली लोकेशन पर क्या रख देना है एट को राइट डाउन कर देना है ठीक है यहाँ के इस कोड के मुताबिक के में प्लस कर देना है और आपने जो है वो क्या करना है जे में भी एक इंक्रीमेंट कर देना है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इस आपकी जो है टेम्प्रे अरेज बन जाएगी लेकिन अब आप यहाँ ये यह देखो जो जे के थे वो तो पूर्ण कर दिए लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो जे वाली सवैर है मतलब जे जो है वो एंड पॉइंट तक आ जाए और आई के कुछ एलिमेंट्स मिस हो जाए मतलब वो रह जाएँ आई में फोर एलिमेंट्स है और अभी टाइम पे आपके थ्री एलिमेंट्स जो है वो पुट हुए हैं अभी आपके पास एक एलिमेंट रिमेनिंग रह गया जबकि जे जो है वो तो लास्ट पॉइंट तक पहुँच गया है कंडीशन तो ये वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई और एंड की वजह से इन दोनों का ट्रू होना जरूरी था जब आपके कुछ एलिमेंट्स रह जाते हैं टेम एरे में रहने से आप ये नहीं करेंगे कि जस्ट आप उसे लास्ट में पुट कर देंगे नहीं आपको उसके लिए कॉल लिखना पड़ेगा जो चेक करके बताएगा आपको वाई आई लेस देन इक्वल्स टू मेक तो आप जो है अरे आई को टेम के की जो लोकेशन आ रही होगी लास्ट में वहां इंसर्ट कर देंगे आई में एक प्लस कर देंगे अगर आपके पास जे की कोई रह गई है तो जे लेस देन इक्वल्स टू एंड तो आप जो करेंगे टेम के की जे वाली लोकेशन पे जो एलिमेंट है आपके पास अरे जे का जो रह गया है उसे आप टेम के पे राइट डाउन कर देंगे ए में प्लस कर देंगे और जे प्लस वन तो कहा गया था कि आप अरे को सॉर्ट करें ए आर आर जो अरे थी आपने जो है वो टेम अरे में सॉर्ट करके रखा है तो अब आप उसे कन्वर्ट करेंगे क्या कॉपी करेंगे टेम को टू ओरिजिनल इंटरवल कैसे कॉपी हो गए फॉर लूप अप्लाई होगी आई इज इक्वल टू स्टार आई लैजन इक्ल्स टू एंड और आई प्लस इज इक्ल टू वन ठीक है अब आपने टेम की आई जो है आपका स्टार्ट से है मतलब जीरो लोकेशन में की जो वैल्यू है वो आपने अरे आई में राइट डाउन करनी है आई इज इक्ल टू स्टार मतलब जीरो वाली लोकेशन जो होगी इस तरह आप इंक्रीमेंट करके एंड वाली लोकेशन तक जो है टेम से उठाएंगे और अरे की ए आर आर जो आपके नाम वाली अरे है उसमें आप राइट डाउन कर देंगे आई होप यू अंडरस्टैंड द मर्ज सॉर्ट नेक्स्ट आपके पास है ड्रॉप बाइनरी सर्च ट्री बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको जो है नंबर्स दे दिए गए हैं आपने इंसर्ट करना है बाइनरी सर्च ट्री में सबसे पहले आपको फोर्टीन कहा गया था आपने 14 इंसर्ट किया अब यहाँ रूल क्या होता है कि जो लेफ्ट सब रहे होगी वो आपके रूट से लेस होने चाहिए और जो राइट है वो ग्रेटर होनी चाहिए अब 14 के बाद 5 है 14 5 से लेस है तो आप लेफ्ट साइड पे रखेंगे और 7 जो है ग्रेटर है सॉरी 7 ग्रेटर है 5 से लेकिन 14 से तो ग्रेटर नहीं है तो आप लेफ़्ट साइड पर आ जाएंगे और फाइव की राइट right साइड पे आ जाएंगे नेक्स्ट आपके पास सिक्स है सिक्स जो है आपका फाइव से ग्रेटर है लेकिन सेवन से लेस है तो आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे फिर आपके पास नेक्स्ट नंबर है टेन टेन आपके पास इससे भी लेस है इससे ग्रेटर है इससे ग्रेटर है, है तो आप इस साइड पे आ गए इलेवन जो नंबर है वो आपके पास इससे लेस है फोटीन से फाइव से ग्रेटर है सेवन से ग्रेटर है टेंथ से ग्रेटर है तो आप राइट right साइड पे नोट करेंगे मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपके ग्रेटर नोड हैं वो आप राइट right साइड पे मूव कराएंगे रूट के और जो लेस होंगे रूट से वो आप लेफ्ट साइड पे मूव कराएंगे फिर हम आगे उसके प्री ऑर्डर टाइवर्सल पोस्ट ऑर्डर इनफिक्स ऑर्डर टैवर्सल को देख लेते हैं प्री ऑर्डर इसी ट्री का क्या होगा रूट लेफ्ट राइट ये हमारे पास इसका रूल है आपने सबसे पहले रूट रूट राइट डाउन करना है फिर लेफ्ट और फिर राइट right. अब आप जैसा ये रूट है ये लेफ्ट है आपने लेफ्ट पे देखना है ये अगेन रूट आ गया तो आपने इस रूट का लेफ्ट लिखना है और फिर राइट लिखना है जैसे हमने फोर्टीन लिखा फिर फाइव और फिर वन नेक्स्ट आप राइट पे है तो ये तो रूट है तो आप सबसे पहले रूट लिखेंगे सेवन फिर आप क्या लिखेंगे लेफ्ट लिखेंगे फिर आप उसके बाद राइट लिखेंगे राइट अगेन आपके पास एक रूट है तो आप क्या करेंगे रूट लिखने के बाद लेफ्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट राइट लिख देंगे टेन के बाद इलेवन अब आपका रूल हो गया था लेफ्ट वाली साइड साइड हो गया फिर आपने राइट राइट डाउन राइट डाउन करना होता है पोस्ट ऑर्डर डाइवर्सन में क्या रूल है लेफ्ट राइट और रूट मतलब आप पहले लेफ्ट साइड लिखेंगे फिर आप राइट और फिर रूट लिखेंगे जैसा ये एक रूट है आप ये नहीं लिख सकते आप क्या करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाएंगे क्योंकि हमने पहले लेफ्ट लिखना है फिर हमने राइट लिखना है फिर हमने रूट लिखना है ये भी अगेन रूट है तो आप लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे लेफ्ट है फिर राइट राइट right अगेन एक रूट है तो आप इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे सिक्स लिखेंगे फिर आपने राइट right लिखना था रूट नहीं लिखना टेन नहीं लिख सकते रूट है लेफ्ट पे कुछ नहीं है आप राइट right लिखेंगे इलेवन फिर आप टेन लिखेंगे फिर आप सेवन लिखेंगे फिर आप फाइव लिखेंगे और यहाँ आप सेवनटीन के बाद फोर्टीन को राइट right डाउन करेंगे क्योंकि ये एक रूट है इन फिक्स होता है हमारे पास बेसिकली लेफ्ट रूट और राइट असेंडिंग ऑर्डर में एस पार्ट है आपको कहा गया है कि ये जो बाइनरी ट्री है उसका और इन ऑर्डर रेवर्सल ये वाली इक्वेशन है और प्री ऑर्डर रेवर्सल आपके पास ये दिया गया है आप जो है अब क्या राइट डाउन करें पोस्ट ऑर्डर जो है वो बताएं राइट डाउन द पोस्ट ऑर्डर ऑफ द बाइंडी अब पहले हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास ये इसमें रूट क्या है आप पहले यहाँ से जज करेंगे मतलब आप लेफ्ट रूट राइट ये रूल को फॉलो करते हुए हमारे पास अगर ये लेफ्ट है तो ये रूट है और ये राइट है तो आपने रूट जो है वो अंडरलाइन कर लिया फिर आपके पास ये लेफ्ट हो गया ये रूट हो गया और ये पूरी तीनों की क्या होगी एक राइट सब ट्री हो गया फिर आप एफ़ लेफ्ट है जी राइट right है और सी आपका रूट होगा इस रूल के अकॉर्डिंगली आप जो है अंडरलाइन कर लेंगे रूट्स को ताकि आपको प्री आ, पोस्ट ऑर्डर लिखने में आसानी हो प्री ऑर्डर भी उन्होंने आपको दे दिया आपके पास बी ए सी क्या थे रूट के पास जो रूट है आप दोबारा से बी और ए और सी हैं आप इन्हें यहाँ जो है अंडरलाइन कर लें अब देखें आपके पास ये रूट है लेफ्ट और राइट ये होगा आपने ये बता दिया लेफ्ट और राइट है अब अगर आपका ये रूट है तो ये तमाम लेफ्ट है और ये सारा राइट right है और सी क्योंकि हमने अभी देखा था कि रूट था हमारा और लेफ्ट और राइट ये था इसी तरह प्री ऑर्डर में ये रूल फॉलो हो जाता है मतलब तो हमने सही जो है वो जज कर लिया है अब पोस्ट ऑर्डर जो लिखना है उसमें हमारे पास क्या होता है लेफ्ट राइट right और फिर रूट तो हमने जो इन ऑर्डर निकाला जो फाइंड आउट किया था कि ये रूट है और ये लेफ्ट है और ये राइट right है उसके अकॉर्डिंगली हम ट्री ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम पोस्ट ऑर्डर जो है वो लिख सके उसका ए रूट था आपका बी रूट था और सी रूट था ठीक है आपका ए रूट है तो ये बी सी चाइल्ड थे बी रूट था तो डी और ई e क्या थे उसके चाइल्ड थे इस बी रूट था आपका तो उसके चाइल्ड क्या थे आपके पास डी और ई e चाइल्ड थे सी आपका रूट था तो एफ और जी आपके पास क्या थे चाइल्ड थे ठीक है आपने उस समय ड्रॉ कर लिया अब आपने क्या लिखना है पोस्ट ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर होता है लेफ्ट राइट right और पहले लेफ्ट देखेंगे मतलब आप रूट की लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे लेफ्ट पे आए तो आपके पास जो है वो फिर एक रूट आ गया फिर आप लेफ्ट साइड पर मूव कर जाएंगे लेफ्ट लिखेंगे डी है फिर आपने जो है क्या लिखना है राइट right को लिखना है ई e, और फिर आपने बी को लिखना है मतलब आपने यहाँ पे रूट लास्ट में लिखना होता है पोस्ट ऑर्डर में अब ये लेफ्ट कंप्लीट हो गया आपका सब ट्री अब आप राइट right की तरफ मूव कर जाएंगे एफ जी और फिर सी को राइट डाउन करेंगे और लास्ट में आप जो है वो रूट को राइट डाउन करेंगे इससे तो आपका ही पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम कैस इन कमेंट सेक्शन आई विल रिस्पॉन्सून एज पॉसिबल और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं फाइव सिक्स एंड सेवन वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे थैंक यू